हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का यह दिन जो है आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए, इसी आशा के साथ, इसी होप के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। क्योंकि भाई दिवाली का स्पेशल दिन है, तो एक स्पेशल अपडेट भी तो बनती है सीरियल घूमें किसी के प्यार में के ऊपर। क्योंकि यहाँ आने वाले एपिसोड की कहानी जो है मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो विराट ने, सई ने, दोनों बच्चों ने इतनी अच्छी बहादुरी दिखाई है, उसके लिए एक सेलिब्रेशन, एक सम्मान समारोह तो बनता ही बनता है। यानी कि ये कहें दोस्तों, यहाँ पर सीरियल के मेकर्स ने जो है, बाकी कहानी को तो हम अगर एक बार छोड़ दे साइड में, लेकिन दिवाली स्पेशल की बात करें तो उन्होंने सीरियल को बहुत ही स्पेशल हम सभी के लिए बना दिया। पहले रामलीला वाला बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा सीन हमें देखने को मिला, एंड आने वाले एपिसोड में भी सई को जो है अपनी बहादुरी के लिए बहुत अच्छा सम्मान मिलने वाला है। क्योंकि यहां पर दोस्तों सब लोग डिसाइड करने वाले हैं, आई थिंक गवर्नमेंट भी मनाकपुर की डिसाइड करने वाली है ये चीज, कि यहां पर दोनों बच्चों ने भी बहादुरी दिखाई, दूसरे बच्चों को किडनैप होने से बचाया, एंड उसी के साथ ही उनके माता पिता ने दोनों बच्चों को आग में खुद कूद कर बचाया। ऐसे में सम्मान करना तो उनका बनता ही है। और ऐसे में दोस्तों यहां पर एक फंक्शन वो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जहां पर सई के साथ साथ विराट को, चौहान फैमिली को, एंड दोनों ही बच्चों को सम्मानित करने के लिए बुलाया जाएगा। एंड ऐसे में दोस्तों सम्मान समारोह के अंदर आपको बहुत ही इमोशनल सा सीन देखने को मिलेगा। क्योंकि यहां पर विनायक को तो आई बाबा का सहारा मिल चुका है, एंड उसे मालूम है कि आई बाबा उसके वही हैं, एंड यहां पर लेकिन सभी जो है वो अपने बाबा को कहीं ना कहीं मिस करने वाली है। एंड बातों ही बातों में वो विराट से ये बात पूछ लेगी जब वो विनायक को देखेगी कि विनायक के बाबा उसे कितना प्यार करते हैं, तो वो विराट से पूछते हैं कि पुलिस अंकल क्या आप मेरे बाबा को ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो भी मिसिंग है। क्योंकि यहां पर दोस्तों सम्मान समारोह के अंदर विराट की जो तारीफ है उसके तो पुल बंधने ही बंधने वाले हैं। क्योंकि विराट ने अक्सर कई बार बड़े बड़े मिशन पूरे किए हैं, कई मिसिंग लोगों को बचाया है, और इन्हीं बातों से बात निकल कर आने वाली है कि विराट काफी सारे लोगों को ढूंढ लेता है जो कि मिसिंग हो जाते हैं। एंड यही बात सभी के दिल में जो है एक दिए की तरह जलने वाली है, और पूरी तरीके से वो विराट से जो है एक आशा लगा लेने वाली है, एक होप लगा लेने वाली है कि ये मेरे बाबा को जरूर ढूंढ देंगे। लेकिन ये बात विराट के दिल में जो है बिल्कुल ज्यादा चुभ जाने वाली है, एंड उसका दिल जो है पूरी तरीके से पिघल जाने वाला है कि एक छोटी सी बच्ची को भी सही ने आज तक सच नहीं बताया है कि उसके असल बाबा कौन है, और उसके बाबा से ना ही बच्ची आज तक मिल पाई है। यानी कि ये कहें कि दोस्तों इस सम्मान समारोह नहीं बल्कि रहस्य खुलने वाला एक एपिसोड होने वाला है। क्योंकि यहां पर विराट को ये बात पता चलेगी कि सभी सही जो है केवल ये सच छुपा ही नहीं रही है, बल्कि उसने अपनी बेटी को भी नहीं बताया है कि उसके बाबा कौन है। ऐसे में यहां पर पूरी तरीके से ये बात सुनकर सई भी पूरी तरीके से हैरान हो जाएगी कि विराट से क्या डिमांड कर ली है सभी ने। क्योंकि सई को याद आने वाला है कोई और नहीं बल्कि जिससे ये सवाल सभी पूछ रही है वही उसके असल बाबा हैं। और दूसरी तरफ विराट सई की ओर देखकर बहुत ही हैरान होने वाला रिएक्शन देने वाला है कि सई तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। एंड दूसरी तरफ सई जो है अपने मन में ये डिसाइड कर लेने वाली है कि यार अब वो समय आ चुका है जब यहां पर सभी को सच बताना ही होगा। क्योंकि अब तो सभी के दिल से भी आवाज निकल रही है, और अब तो पुलिस अंकल को बता रही है कि प्लीज आप मेरे पापा को ढूंढ दीजिए, अपने मेरे बाबा को ढूंढ दीजिए। ऐसे में दोस्तों यहां पर दोनों का दिल पिघल जाने वाला है, विराट का भी और सई का भी। और सई तो यहां पर डिसाइड करने वाली है कि नहीं, यहां पर पूरी तरीके से हम लोगों को जो है सभी को सच बताना ही होगा, एंड विराट को भी सच पता चलना चाहिए। और दूसरी तरफ विराट जो है वो सई को ब्लेम करते हुए नजर आएगा कि सई इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है कि एक छोटी सी बच्ची को भी उसने सच नहीं बताया, एंड उसकी लाइफ वो खराब कर रही है। ऐसे में दोस्तों दो डिफरेंट ट्रैक पर कहानी जाते हुए आपको नजर आएगी, जहां पर सई खुद सच बताना चाहती है और दूसरी तरफ विराट खुद सच ढूंढ कर सभी को सच बताना चाहता है। लेकिन दोस्तों इस सच के बीच में जो है पत्रलेखा और चौहान निवास की नेगेटिविटी आ जाने वाली है। अब दोस्तों ये ट्रैक किस तरीके से खींचा जाएगा, सीरियल के मेकर्स किस तरीके से इसे खींचने वाले हैं, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि बेसिकली सीरियल का कॉन्सेप्ट एक जैसा ही है, और हर सीरियल का एक जैसा ही होता है कि एक स्टोरी लाइन आएगी एंड उसके एंडिंग में जो है कोई सच या फिर रिजल्ट निकल कर सामने आएगा कि क्या होने वाला है या फिर क्या हो सकता है, कहानी किस तरीके से आगे बढ़ेगी। तो यहां पर दोस्तों विनायक का चैप्टर पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है, जिसके बारे में आपको लगातार बता रहा था कि विनायक के चैप्टर के क्लोज होने की देरी है। यहां पर पूरी तरीके से सही का सभी का सच जो है वो सामने आते हुए आपको नजर आने वाला है। एंड आने वाला एपिसोड में एक तरफ विराट इन्वेस्टिगेशन करने वाला है, तो दूसरी तरफ सही जो है पूरी तरीके से हौसला बढ़ाने वाली है खुद का ही कि नहीं सभी को सच बताना ही होगा, एंड वो चौहान निवास भी जाने वाली है इस चीज को लेकर। लेकिन यहां पर विराट और पत्रलेखा की बातें सुनकर, उन दोनों का एक अच्छा बॉन्ड देखकर जो है सही को ऐसा लगने वाला है कि नहीं, एक बच्ची का जिंदगी को संवारने के लिए, अपनी खुशियों के लिए मैं विराट की और पत्रलेखा की और पूरे चौहान निवास की और साथ ही विनायक, वो जो भी छोटा सा बच्चा है उसकी जिंदगी वो खराब नहीं कर सकती है। यानी कि यहां पर सही जो है दोनों ही तराजू में नापने वाली है अपने आप को भी
भी और विराट की फैमिली को भी, और यहाँ पर विराट की फैमिली की खुशियों को वो ज्यादा वजन देते हुए नजर आएगी और यहाँ पर सभी को सच वो नहीं बताएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर विराट खुद सच की तलाश में निकलने वाला है एंड यहाँ पर डीएनए रिपोर्ट से लेकर काफी बड़े बड़े सच आपको सामने आते हुए नजर आने वाले हैं। तो आने वाला एपिसोड दोस्तों पूरी तरीके से विराट के वर्दी वाले रूप में और इसी के साथ ही सही को इमोशनल करने वाला रूप और इसी के साथ ही चवार निवास और सही के आमने सामने से भरा है, यानी कि फुल ऑन एक्शन, फुल ऑन ड्रामा एंड फुल ऑन इमोशन से भरा हुआ है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि इस दिवाली स्पेशल एपिसोड के लिए, सम्मान समारोह के लिए एंड इसी के साथ ही उसके बाद आने वाली बहुत ही क्यूट सी, बहुत ही स्पेशल सी स्टोरी लाइन के लिए आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड आप लोग क्या स्पेशल कर रहे हैं आज के दिन और किस तरीके से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना दिन दिवाली के दिन, मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं बल्कि सीधे इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिएगा। एंड हो सके तो आप लोग मुझे स्टोरी पर टैग कर सकते हैं अपनी, और इसी के साथ ही इंस्टाग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो आप दबा ही देंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि यहां पर आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी अपडेट मैं आपको लगातार पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।